हिजबुल मुजाहिदीन से रिश्ते खुलने के बाद AAMU से निष्कासित छात्र मनान बशीर वानी का रूम पार्टनर मुजिम भी ATS के रडार पर है। AAMU से जियोलॉजी में PhD कर रहा मुजमिल करीब 7 महीने से कैंपस से लापता है। उसने शोध कार्य भी लंबित कर रखा है। मुजमिल भी कुपवाड़ा का रहने वाला था और मुजमिल भी मनान वानी के गाइड एस अहमद अली के अंडर में जियोलॉजी में PhD कर रहा था। जांच में नाम आने के बाद AAMU के संपर्क के जन अधिकारी उमर पिरजादा ने साफ करते हुए कहा कि मुजमिल हुसैन की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ग्रेड ए की पोस्ट पर नौकरी मिल गई है और वर्तमान में महाराष्ट्र में कहीं पोस्टेड है। वो कहीं गायब नहीं हुए हैं और इसलिए उन्होंने PhD छोड़ी। ये एक तरह की र्यूमर मॉन्गरिंग रही है कल से अब तक, और कल भी हमने इस चीज़ को वाजे किया था कि मुजम्मिल हसन, इन्होंने PhD अपनी डिसकंटिन्यू इसलिए करी क्योंकि इनका सिलेक्शन हो गया था GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, और ग्रेड वन ऑफिसर है। मार्च 2017 में इन्होंने गालिबन ज्वाइन कर लिया, जैसे कि इत्तला हमें इनके चेयरमैन प्रोफेसर अबू तालिब साहब से मिली है। ठीक है, तो इस तरह से कोई ऐसा नहीं कि जैसे एक लाइट से बात, इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो तरह तरह की बातें निकलती हैं, लेकिन जो सही प्लेटफॉर्म है आपके पास, जब उस तरह वहाँ से इत्तला जब आए तो वो पुष्टि होती है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन AAMU एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हम बताना चाहते हैं कि वो जो जिस लड़के का जिक्र हो रहा है वो PhD उसने क्यों ड्रॉप करी या एब्सकॉन्डर है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये सिर्फ पता नहीं कहाँ से आप लोग ये खबर मिली। वो एक ग्रेड वन ऑफिसर है और GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इसने ज्वाइन, नहीं एब्सेंट नहीं चल रहे थे वो, तो पूरी सब चीजें होती, आप कहीं ज्वाइन करते क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है, नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है, लाइब्रेरी से आपको लेना पड़ता है और डाइनिंग हॉल से लेना पड़ता है, लेकिन ऐसी आप लोगों ने कोई, मतलब ये पूरी चीजें क्लियर होती है, ऑन रिकॉर्ड होती है। नहीं नहीं, ये ऐसा मेरे संज्ञान में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में गायब नहीं होते। देखिए PhD वालों के साथ ये होता है, PhD वालों की अटेंडेंस नहीं होती, क्लासेस नहीं होते रेगुलर, वो सिर्फ अपने सुपरवाइजर के पास जाते हैं या रिसर्च वर्क के लिए, फील्ड वर्क के लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। PhD स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर्स के मतलब क्या होते हैं? AAMU जांच कर रहा है, पेंडिंग इंक्वायरी है, उसके लिए अभी इस समय सीमा हम लोग ने नहीं रखी, जैसे हम जैसे उसकी जांच होके पूरी होगी डेफिनेटली आप लोग से शेयर करेंगे।